हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैन पनीर कटलेट्स की रेसिपी हम आज बना रहे हैं, जो कि बहुत ही क्विक एंड इजी स्नैक की रेसिपी है। कोई भी ओकेजन पे इसे आप प्री कोर्स के जैसे भी सर्व कर सकते हैं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। अब एक नॉनस्टिक पैन में आधा छोटा चम्मच ऑयल डाल लेंगे। इसमें एक छोटी कैप्सिकम बारीक कटी हुई डालकर इसे हल्का सॉटे कर लेंगे। हल्का सॉटे करने के बाद इसमें दो बड़े चम्मच बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, दो बड़े चम्मच बॉइल्ड ग्रीन पीस, इन सबको डालकर अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, हल्का सा नमक, बारीक कटा हुआ ताज़ा धनिया, 2 चीज़ क्यूब ग्रेट करना है। यहाँ पर इस समय पर फ्लेम ऑफ करके चीज़ के साथ में इसे हल्के से मिला लेना है। आपको देखना है कि चीज़ यहाँ पर नीचे चिपक नहीं जाए। हमारी स्टफिंग यहाँ पर बनकर रेडी है। फ्रेश मलाई पनीर को वेट के नीचे रखना है, जिस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे एक्सेस जो मॉइस्चर है पनीर में वो हल्का सा कम हो जाता है और इसे हैंडल करना ईजी हो जाता है। अब एक बोल में पनीर को डाल लेंगे। इसी के साथ में इसमें 4 ब्रेड क्रम्ब डाल लेंगे, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ पुदीना, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच काले मिर्च का पाउडर। इन सबको डालकर अच्छे तरीके से मिला लेंगे। आपको यहाँ पर पनीर को क्रम कर देना है, जिस तरीके से दिखाया गया है। हल्के हाथों से इसे करना है ताकि पनीर से ऑयल ना निकल जाए। यहाँ पर अब आप हाथ में एक बड़ा मिक्सचर का पोर्शन ले लीजिए, जिस तरीके से दिखाया गया, और इसे हल्के हाथों से फ्लैट कर लीजिए। आपको इसके सेंटर में हल्की सी कैविटी बनानी है, जिससे हम इसमें स्टफिंग भर पाए। स्टफिंग आपको ज़्यादा भी नहीं भरनी, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो उस समय पर हमें इसे केयरफुली फ्राई करना है। इसे सब एजेस से साथ में ले आएंगे और एक राउंड शेप फॉर्म करेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पर क्रैक आ रहा है तो आप हल्के हाथों से पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी टिक्कीज भी हम बना लेंगे। अगर यहाँ पर आपकी टिक्कियाँ ब्रेक हो रही हैं तो आप इसमें एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं। मीडियम हॉट ऑयल में पहले एक टिक्की फ्राई करके देख लेंगे, अगर ये नहीं बिखर रही है तो हम बाकी की टिक्की भी साथ में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अपनी शेप रिटेन कर रहा है और नहीं बिखरा है, तभी हम बाकी के टिक्कीज भी इसमें डाल लेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमेशा एक साइड पे कलर आने दीजिए, तभी इसे फ्लिप कर रहे हैं। आपको तुरंत कटलेट्स डाल के नहीं पलटेंगे, नहीं तो ये पूरे तरीके से बिखर जाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने पर इसे एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के टिक्कीज भी फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन पनीर चीज़ टिक्की यहाँ पर बनकर तैयार है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे चाट मसाला और मिंट चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका, ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू डिड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आई विल सी यू सून। बाय।